अभी तक की जो हमने देखा था वो चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम। उसमें कई अलग अलग तरीके के अपने क्वेश्चन देखे, कॉन्सेप्ट देखे। अभी हम बढ़ रहे थोड़े आगे, उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे जॉब प्लेसमेंट के पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिखे हैं, तो उनमें से पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन। इस मल्टीप्लीकेशन के जो क्वेश्चन आते हैं मैंने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी वन जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो एज टाइप वन। इस टाइप में क्या हम देखने वाले, अगर यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 रहा और उनके पहले आने वाला नंबर सेम रहा तो ये मल्टीप्लीकेशन कैसा करें, ये हो गया टाइप वन। और टाइप टू, यूनिट प्लेस अगर सेम हो गया और उसके पहले आने वाला डिजिट या टेंस प्लेस का सम 10 रहा तो कैसे सॉल्व करें। दोनों का टेक्निक अलग अलग है पर बड़ा ही आसान है। आपको समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। जो यूनिट प्लेस है उनका सम मैंने बताया जैसे 10 होना चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस इज स्टेप नंबर वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर लिखा जैसा का वैसा। स्टेप टू, जो हमारा कॉमन डिजिट है उसमें 1 ऐड करके उसका आंसर लिखा। और स्टेप नंबर थ्री, इस नंबर को बेस नंबर से मल्टीप्लाई किया, स्टेप नंबर थ्री। अब इसी स्टेप को फॉलो करके इसका आंसर ये निकला है। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 38 into 32। अब देखिए यूनिट बेस का जो नंबर है 8 और 2 है, दोनों का सम कितना आता है 10, मतलब स्टेप नंबर 1 फॉलो हो रही है। स्टेप नंबर 1 का आंसर कितना आएगा, 8 into 2 is 16, मतलब 16। अब बचे हैं और दो नंबर्स। स्टेप 2 में क्या करना है, इसको एक ऐड करना है, तो इसके इमीडिएट नंबर कौन सा आएगा, 3 + 1 = 4। इस 4 को स्टेप नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 into 3 is 12, जो इसका आंसर आ गया। ओके, अब और एक क्वेश्चन समझते हैं। दोनों का सम कितना आ रहा है 10, मतलब टाइप फॉलो हो रहा है, तो 4 into 6 कितना होता है स्टेप नंबर 1 के हिसाब से, 24। अब 5 में 1 ऐड करो एज पर स्टेप नंबर 2, 5 में 1 ऐड करने के बाद आता है 6, तो 6 into 5 स्टेप नंबर 3, 6 into 5 is 30, आंसर इज 3024। लगा कि कितना आसान। अभी आखिरी एक क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या ट्रिकी इसमें छुपे वो देखते हैं। यूनिट प्लेस क्या है, 9 and 1, इन दोनों का सम 10 फॉलो हो रहा है, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आता है 9। और क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया और आपने सिर्फ 9 लेके आगे का सॉल्व किया तो आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन भी है। 9 into 1 भी 9 आता है, पर यहाँ पे लिखते हो क्या लिखना है, 0 9, ठीक। अब 11 को 1 अगर ऐड किया तो आता है इतना 12, 12 into 11 is 132। ये थी इस क्वेश्चन की खासियत। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर कोई भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन सिंगल डिजिट में आ रहा है उस डिजिट के पहले एक 0 लिखना, फिर बाकी का स्टेप 2 और स्टेप 3 फॉलो करना, तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप चाहे तो आपके मोबाइल के कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो। ये था टाइप 1 का क्वेश्चन। अब देखते हैं टाइप 2, एक बार आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर हम टाइप 2 के ऊपर जाते हैं। देखो अब टाइप 2 क्या बोलता है, टाइप 2 में क्या चेंज है, यूनिट प्लेस सेम है और 10 प्लेस में जो डिजिट है उनका सम 10 है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 74 34, इसका आंसर कैसे निकला है वो समझते हैं। स्टेप नंबर 1, जो यूनिट प्लेस है उनका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर लिखो। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई क्यों करना, स्क्वायर करो, चलेगा क्योंकि दोनों की डिजिट सेम है, आप स्क्वायर करो या मल्टीप्लीकेशन करो आंसर सेम ही आने वाला है। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे क्या करना है, जो टेंस प्लेस है उनका मल्टीप्लाई करना है 7 into 3, और जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको इस प्रोडक्ट में ऐड करना है, ये एक चीज है। तो देखिए ये है इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं बाकी के 3 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। 5 into 5 स्टेप नंबर 1 में क्या बोला है, मल्टीप्लाई करो, 5 into 5 is 25। अब 7 into 3 is 21 प्लस 5 कितना आता है, 7 into 3 प्रोडक्ट जो भी आएगा प्लस 5, 7 3 is 21, 21 + 5 is 26, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 into 89, यहाँ पे भी देखो जो टेंस प्लेस है उनका सम कितना आ रहा है 10,
इसको सॉल्व कैसे करें, वही प्रोसीजर को फॉलो करो। स्टेप वन, यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स है उनका प्रोडक्ट लो, 9 9 81। नेक्स्ट 2 into 8 is 16, 16 plus 9 is 25, ये रहा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अब जैसा ये क्वेश्चन में ट्विस्ट था वैसा इस क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है। अब वो क्या है, 2 into 2 is 4, यहाँ पे भी ये गलती मत करना जो यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे अगर हमने 9 लिखा होता तो आंसर गलत होता। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 4 मत लिखना। अगर ऐसा आता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट सिंगल डिजिट आ रहा है तो सिंगल डिजिट के पहले एक जीरो लगाओ और फिर आगे की प्रोसेस को फॉलो करो। क्या, 4 into 6 is 24, 24 plus 2 is 26, जो कि रहा इसका आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और भी कुछ मजेदार तरीके आपसे शेयर करेंगे आगे की कुछ सीरीज में।